नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल उपाध्याय। आपका स्वागत है विजन ऑटोमेशन सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पेज पर। आज हम पाइथन का रियल प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। इसको हम वर्चुअल पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं, लेकिन मैं इसको पर्सनली बोलता हूँ एरियल पेंट। मैं क्यों बोलता हूँ इसको ऐसे, वो हम देखेंगे इस आगे वीडियो में। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि आप कैसे PIP और OpenCV को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको पाइथन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है और आप एक बिगनर हैं, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने उसका। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने प्रोजेक्ट का पूरा कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें क्या क्या लाइब्रेरीज यूज़ हुई हैं, इसमें क्या कमांड्स यूज़ हुई हैं, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो हमारी वर्चुअल पेंटिंग है जो कि हम OpenCV से यूज़ करने वाले हैं, उसका प्रिंसिपल बेस्ड है कंप्यूटर विज़न पे। कंप्यूटर विज़न एक साइंस है जो कि हम कंप्यूटर्स को सिखाते हैं ताकि वो हमारे जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड हैं उसको देख पाए। इसके अंदर कई सारी आर्ट एल्गोरिदम लगती हैं और इस टाइप की एप्लीकेशंस को हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स में यूज़ करते हैं और इमेज रिकॉग्निशन में भी यूज़ करते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर भी इसका बहुत सारा यूज़ किया जाता है। सबसे बेस्ट पार्ट कंप्यूटर विज़न का आज की टेक्नोलॉजी में ये है कि इट कैन डिटेक्ट कैंसरस सेल्स, मतलब इमेज से किस किस टाइप के इमेज उसको लर्न किया गया है, उसके साथ वो बता सकता है कि कैंसरस सेल्स कौन से हैं और नॉर्मल सेल्स कौन से हैं। तो उस पर पहले हम रिफ्रेश करेंगे ताकि हमारी जितनी भी फालतू की कैशेस और कुकीज़ हैं वो डिलीट हो जाएं। और हम जाएंगे अपने स्टार्ट में। स्टार्ट में जाने के बाद हम सर्च करेंगे पाइथन IDLE। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि पाइथन के द्वारा ही दिया गया है। एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इस पर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है। हम इसको क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने पाइथन के शेल पर। हमें नई विंडो खोलनी है तो हम फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद न्यू फाइल। तो गाइज, ये हमारी नई फाइल खुल चुकी है। अब यहाँ पर हम इसको सेव कर लेंगे पहले Ctrl+S से, या फिर हम फाइल्स में जाके सेव कर सकते हैं। आप अपना पाथ चूज़ कर सकते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वो पाइथन 39 जो कि है 3.9 एक्चुअली है 3.9 करके है, वरना आपको स्पेशली आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आपको अपना रखना है। तो मैं तो अपना एक ही जगह रखूँगा सारी चीज़ें। पाइथन इसको हम नाम देंगे वर्चुअल पेंटिंग। और दोस्तों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप इसको कहीं भी सेव करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कि बहुत से लोग पूछते हैं कि यार, अगर हम कहीं और इसको सेव कर देंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी जो पाथ हमने सेट किया है वो डिस्टर्ब हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता। आप इसको जहाँ चाहें वहाँ सेव कर सकते हैं। आपके पाथ इसमें प्री डिफाइन है, वो अपने आप उसको ढूंढ लेंगे। तो हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया है। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आपका नाम आ चुका है वर्चुअल पेंटिंग। दोस्तों, मैंने अपना नोटपैड में डाल रखा है, इसको पहले से बना के रखा हुआ है। तो मैं इसको तुरंत कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+A Ctrl+C और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V। दोस्तों, तुरंत मैं आपको इसको लेके चलता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने क्या क्या यूज़ किया है। ये आपको कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको सीधा कॉपी करिए और सीधा चला दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम जो भी आएंगी वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं उसको तुरंत 24/7 में अवेलेबल रहूँगा, मैं उसको तुरंत जवाब दे दूँगा। और जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी हम वो यहीं पे देख लेंगे कि वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे, किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उसकी प्लानिंग ज़रूरी रहती है। तो प्लानिंग का मेरा यहाँ पे मतलब है कि हम उसकी क्या क्या स्टेप्स जो है वो हमको फॉलो करने चाहिए। एक किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमको क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट जो है उसको गैदर करना चाहिए, कैसा उसका मॉडल बिल्ड करना चाहिए। ये सब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, प्रोसेस मॉडल्स के बारे में हम जब जानते हैं उसमें पढ़ते हैं।
तो एक अप्रोच होती है, एक प्रोग्रेसिव अप्रोच होती है, जिससे कि हमारा जो टाइम होता है वो बचता है और हमारा रिजल्ट अच्छी तरह से निकल के आता है। तो इसके अंदर कुछ चुनिंदा स्टेप्स हैं जिसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहली जो स्टेप है वो ये है कि हमको जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो इसमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। हमको बैकग्राउंड जो हम यूज़ करने वाले हैं, प्राइमरी कलर्स ब्लू ग्रीन एंड रेड, उन कलर्स की वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। तीसरी स्टेप है कि हमको एक विंडो क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसके अंदर की यूज़र फ्रेंडली विंडो क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसके सामने की सारे हमको देखेंगे कि कहाँ पे हमें रेड कलर लेना है, कहाँ पे ब्लू कलर लेना है, कहाँ पे ग्रीन कलर लेना है। ठीक। थर्ड स्टेप हमारा होगा कि हम वेब कैम से वीडियो कैप्चर कर पाएँ और जितनी भी फ्रेम बाय फ्रेम है उसको एक वीडियो की तरह या फिर रियल टाइम में ले पाएँ। हम अलग अलग मॉर्फिंग टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। और हमारा पांचवा जो और सबसे लास्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि हमारा जो आउटपुट है उसकी एक अलग से इमेज बन के आए। तो हमको सबसे पहले लाइब्रेरी हमने इसको इंपोर्ट कर ली, नंपाई एज एनपी एंड इंपोर्ट CV2 फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट DQ। ये CV2 जो है वो ये ओपन CV की लाइब्रेरी है। नंपाई एज एनपी हम तब यूज़ करते हैं जब हमको मतलब ऑल्टर नेम यूज़ करना होता है एक ही चीज़ के लिए, कीवर्ड्स की तरह यूज़ करते हैं हम उसको। सी ओपन CV जो हम बात करते हैं वो एक ओपन सोर्स कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी है। कंप्यूटर विजन का मतलब ये है कि हम कंप्यूटर को लर्न करवा रहे हैं कि कैसे आप अपनी हमारी इस दुनिया को देख सकते हैं। ओपन CV बिल्ड किया गया था एक कॉमन इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए ऑल ओवर फॉर द कंप्यूटर, जितनी भी कंप्यूटर्स हैं, और ये मेनली वर्क करता है मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी पे। और DQ की हम बात करते हैं तो DQ एक फीचर होता है ऐड करने के लिए और रिमूव करने की एलिमेंट्स को फ्रॉम मतलब कोई से भी एंड से, पहले स्टार्टिंग में या फिर एंड में। ये एक डबल एंडेड क्यू होती है। जो हमने यहाँ पे देखा कि फ्रॉम कलेक्शन, ये कलेक्शन पूरी एक लाइब्रेरी होती है, वो उसका DQ एक मॉड्यूल होता है छोटा सा। नेक्स्ट पार्ट है कि हमने डिफाइन करा है अपर एंड लोअर बाउंड्रीज को फॉर अ कलर टू कंसिडर एज ब्लू। हम ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट को इसमें लर्न करवाएंगे। नेक्स्ट है कि हमने कर्नल को डिफाइन किया है। देखिए कर्नल को हम कब डिफाइन करते हैं, जब हमको एक पिक्सल के बारे में मतलब जब हमें पिक्सल्स के रिलेटेड कुछ काम करना होता है, इसको जनरली कहते हैं कर्नल मैट्रिक्स। हमने 5x5 का कर्नल मैट्रिक्स बनाया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आते हैं उसके अंदर हम जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ हमने DQ फंक्शन को कॉल किया है। इसमें क्या हो रहा है कि हमने क्यों कॉल किया है कि हम इसमें अलग अलग कलर्स जो हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, बी पॉइंट मतलब कि ब्लू पॉइंट, ग्रीन पॉइंट एंड रेड पॉइंट, येलो पॉइंट, ऐसे करके जो आप पॉइंट्स देख सकते हैं ये सब कलर हैं। इनको अलग अलग कलर्स को सेपरेट करने के लिए और एक तरह से इनके लिए एक सेपरेट बटन बनाने के लिए विंडो पर हमने इनको कॉल किया है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है सेटअप द पेंट इंटरफेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें जो विंडो चाहिए, जिस तरह की विंडो होगी हम उसको यूज़र फ्रेंडली कितना बना सकते हैं, कि मैंने डिफाइन कर दिया कि किस जगह मेरा ब्लू होगा, किस जगह मेरा ग्रीन कलर होगा, वो सब मैंने इसको कोऑर्डिनेट के साथ डिफाइन कर दिया। मैंने क्लियर ऑल का ऑप्शन भी रखा है कि अगर आप हमको पूरा इरेज़ करना है तो हम पूरा इरेज़ कर सकते हैं। आप इसमें और भी फंक्शंस ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ये पूरा ओपन सोर्स है इसलिए मैंने आपको कोड इसमें दिया हुआ है। आप इसमें खुद भी ऐड कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए नई चीज़, आपको कोई और कलर ऐड करना है या फिर आपको एक पर्टिकुलर चीज़ मिटानी है, वो सब आप इसमें कर सकते हैं। पर हमारा आता है कि लोड दी वीडियो। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अब हमने कॉल किया है कैमरे को, हमारा जो वेब कैम है उसको कॉल किया है। उसको कॉल हमने कैसे किया है, कैमरा इक्वल्स टू CV2.CV कैप वीडियो कैप्चर वन। वीडियो कैप्चर वन का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे सिस्टम में कई सारे अलग अलग कैमरा पोर्ट्स होते हैं। और मैं बताऊं कि मेरे में जैसे OBS स्टूडियो है, तो OBS स्टूडियो का एक खुद का एक वर्चुअल कैमरा है, और अब हम यूज़ करते हैं IV कैम वगैरह। तो इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि आपके कैमरे का, आपका जो वेब कैम है उसका नाम क्या है और उसका पोर्ट नंबर क्या है, वहीं पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा कैमरे का जो वेब कैम है उसका पोर्ट नंबर 1 है,
तो इसलिए मैंने 1 लिखा है यहाँ पर। नाउ मूविंग ऑन, हमने लूप स्टार्ट किया है, वाइल लूप स्टार्ट किया है, जिसमें कि हम देखेंगे फ्रेम बाय फ्रेम रियल टाइम हम वेबकैम से क्या क्या ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ग्रैब कर सकते हैं उसको कि नहीं कर सकते हैं। हमने वही सेम सारी चीज़ जो हमने पहले डिफाइन करी थी उसको यहीं पे दोबारा से लिख दिया। अब जो हमारा फंक्शन है वो क्या कर रहा है कि एक बार वेबकैम ने देख लिया, मतलब कंटिन्यूसली वो चीज़ें ले रहा है अच्छी तरह से, तो वो स्टार्ट करेगा ब्लू कलर ऑब्जेक्ट को फ्रेम करने के लिए, और इसकी हेल्प करेगा cv2.inRange। ये एक मेथड है जो कि ब्लू अपर और ब्लू लोअर वेरिएबल जो हमने इनिशियलाइज करिए थे उनको देखेगा, एंड कॉन्टोर्स को फाइंड करेगा जो कि सीरीज ऑफ इमेजेस में होंगी, जितना हो सकता है उसको इतना रियल टाइम में दिखाएगा। जो हमने ब्लू ऑब्जेक्ट है वो उसके ऊपर सर्कल बना देगा, और जैसे ही वो सर्कल मतलब उसको वो ब्लू ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ये इफ़ कंडीशन जो है वो चालू हो जाएगी, और जहाँ जहाँ वो सर्कल मूव करेगा वहाँ वहाँ वो लाइन ट्रेस कर देगी। अभी तक हमारे प्रोग्राम ने जितने भी फ्रेम बाई फ्रेम पॉइंट्स को कैप्चर किया है वो उसको एक लाइन में कंडक्ट कर देगा। हमारा फाइनली जो आउटपुट होगा वो एक अलग सी विंडो में निकल के आ जाएगा। अब बैकग्राउंड हम कैसा भी चाहें उसको कर सकते हैं, फिर एंड में हम सारे डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज़ कर देंगे अगर हम चाहें तो, हम हमारा प्रोग्राम अब आगे ना चले, कोई और चीज़ को कैप्चर ना करे। तो गाइस अब हम इसको रन करेंगे, हमारे प्रोग्राम को रन। ओ अच्छा, कुछ दब गया हमसे, कोई नहीं, हमारा प्रोग्राम काफ़ी रोबस्ट है, वो सही तरीके से चलेगा। टाइम ले रहा है, पेंट, ओके, या ये हमारा प्रोग्राम है। अब हमको हमें पता है कि हमने ब्लू ऑब्जेक्ट को लिया था, तो ब्लू ऑब्जेक्ट मेरे पास अभी आर्डुइनो है, यू कैन सी दिस ब्लू ऑब्जेक्ट है। ये जो येलो सर्कल आपको दिख रहा है ना, ये वही कर्नल है कॉन्टोर्स, जो कि हर पॉइंट बाय पॉइंट फ्रेम बाय फ्रेम को कैप्चर करते हैं, फ्रेम बाय फ्रेम को कैप्चर करते हैं। और जैसे अगर मैं कलर बदलना चाहूँ तो मैं इसकी लाइन को वहाँ तक लेके गया येलो पे, अब ये येलो कलर हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ग्रीन करना चाहूँ, ग्रीन, ओके, ये पर्टिकुलरली ब्लू नहीं है और मेरा वेबकैम भी बहुत ही ख़राब है, वेबकैम प्लीज, और ब्लू ऑब्जेक्ट को लर्न करवाना पड़ेगा मेरे को। रेड ले लिया, शायद मे भी शाइन की वजह से वहाँ पे ग्रीन तक ले नहीं पा रहा, ठीक। अब मैं चाहूँ मुझे क्लियर ऑल करना है तो मैं क्लियर ऑल, किसी और ब्लू ऑब्जेक्ट को लेना पड़ेगा, मेरे पास ये केबल है ना, ब्लू केबल है, इट विल डू, सी हमारा क्लियर ऑल हो गया, ओके। क्लियर ऑल, ग्रीन पे जाना है, ग्रीन आएगा, ठीक। येलो को जाना है, रेड रेड पे चला गया, येलो को जाना है, येलो आएगा, सी रेड पे जाना है, रेड आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो राइट में है स्क्रीन पे कि अपनी ये हमको एक अलग से इमेज बन रही है, मतलब ये तो हमारा रियल टाइम है जो मैं कैमरे से वेबकैम से काम कर रहा हूँ, और हमारे जो राइट में है वो एक इसकी ट्रेसिंग इमेज बन रही है, जो हम अगर चाहें तो इसके अंदर कई सारी चीज़ें और बना सकते हैं, क्लियर ऑल। तो दैट्स इट, अब मैं इसका दबा देता हूँ क्यू, क्यू दबाने से क्या होगा, ये पूरा किल हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा किल हो चुका है, सारे जितने भी हैं विंडो सारी बंद हो चुकी हैं। तो दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम है मेरे से पूछिएगा, ये प्रोजेक्ट यहीं ख़त्म होता है, इसमें आपके ऊपर है, डिपेंड करता है आप इसमें क्या क्या चीज़ें लगाना चाहते हैं, आप इसको और कितना अच्छा यूज़र फ्रेंडली बनाना चाहते हैं,
कुछ जो आउटपुट जो मैंने बनाए हैं वो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं।